क्या रेखा ने संजय दत्त से शादी की थी और की थी तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं आने दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है दोनों ने शादी की थी। ये बात 1972 की फिल्म जमीन आसमान के समय की है, जब सुनील दत्त और रेखा ने इस फिल्म में साथ काम किया था। 12 साल बाद 1984 में जमीन आसमान नामक एक और फिल्म बनी जिसमें सुनील के बेटे संजय दत्त ने रेखा के साथ काम किया। 1984 की फिल्म में रेखा संजय दत्त की मां बनी थी। शूटिंग के दौरान रेखा और संजय दत्त में नजदीकियां आ गई। समय के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत होने लगा, दोनों साथ में समय बिताने लगे। लेकिन जब ये बात सुनील दत्त को पता चली कि उनका बेटा रेखा के साथ समय बिता रहा है, तो उन्होंने संजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय पर उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन सुनील दत्त को खबर मिली कि रेखा और संजय ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। सुनील ने सोचा कि अब रेखा से ही बात करनी होगी। इस बातचीत के बाद रेखा एकदम से संजय से अलग हो गई, लेकिन संजय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन पिता के समान संजय कुछ बोल नहीं पाए और चुप रहे। इसके बाद रेखा ने बयान दिन की ये सिर्फ अफवाह है। इस विवाद के बाद सभी लोग मानते हैं कि रेखा जो मांग में सिंदूर लगाती है वो संजय के नाम का है, लेकिन रेखा को सिंदूर लगाए हुए संजय से बहुत पहले भी देखा गया था। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के दौरान क्या रेखा और संजय की शादी हुई थी और सुनील ने रेखा को कोई धमकी दी थी? यह कहानियां और अफवाहें 1990 के दशक से चलती आ रही हैं।